सागर वर्गीय नारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदार। मिथुन राशि वालों, फरवरी में जो होगा उसे स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकेंगे। हम जानते हैं हर बार सुख प्राप्त करने का प्रयास अधूरा ही रह जाता है। पूर्ण मेहनत करने के बावजूद भी आप शांति एवं सुकून की जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। ऐसो आराम धराशायी हो जा रहा है। संघर्ष में किए गए हर प्रयास बेकार हो रहे हैं। स्वप्न टूटते महसूस हो रहे हैं। तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी कामना कोई बहुत बड़ी नहीं है कि जो पूरी नहीं हो सके। जी हाँ, भाग्य के सहयोग के चलते फरवरी में विधाता का नया खेल शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, मैंने 22 दिसंबर की वीडियो में भविष्यवाणी की थी, राजनीतिक प्रशासनिक फैसलों से तनाव पड़ेगा। देश के कई हिस्सों में ठंड के साथ बारिश होगी। मैंने यह भी कहा था कि जनवरी में बीमारी का संक्रमण बढ़ेगा और यह भविष्यवाणी 100% सही होती जा रही है। चाहे तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, फरवरी के अंत तक कोरोना का रफ्तार कम होती जाएगी। जान माल के नुकसान के साथ देश में भूकंप के झटके महसूस होंगे। तो पंजाब और गुजरात की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इन सबके बावजूद भी सबसे बड़ा लाभ मिथुन राशि के जातकों को होने जा रहा है, क्योंकि आपकी राशि स्वामी और बुद्धि व्यापार के दाता बुध ग्रह 4 फरवरी से भाग्य और आकस्मिक धनभाव के लोड होकर शनि ग्रह साथ योग कारक बन रहे हैं। तो पद नौकरी कार्य के दाता सूर्य पराक्रम भाव के लोड होकर भाग्य भाव में दैनिक व्यवसाय और कर्म बिजनेस के भाव में स्वामी गुरु के साथ स्थित है, जिसके कारण फरवरी से विधाता का नया खेल शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं। मिथुन राशिफल 2022 के अनुसार नए साल का नया सवेरा फरवरी 2022 खुशियों की सौगात लेकर आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महीने ज्योतिषीय दृष्टि से आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। फरवरी महीना रोमांस उत्तेजना से भरा होगा। आप जो भी कुछ करेंगे उसमें आपकी रचनात्मकता और प्रयासों का प्रदर्शन होगा, जिसके ही बलबूते पर आप कार्य क्षेत्र व्यवसाय बिजनेस नौकरी में उम्मीद से ज्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। करियर के लिहाज से यह महीना शानदार रहेगा। पैसा आपके पास आंधी की तरह आएगा। बच्चे शोक संयोग के खेल में भी किस्मत आपका साथ दे सकती है। जो पुरानी नौकरी से जुड़े हुए हैं उन्हें नई नौकरी के प्रस्ताव मिलेंगे। खुद का व्यापार कर रहे हैं व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनकी आय में बेतहाशा वृद्धि होगी। जो कर्ज के तले दब चुके हैं वह बाहर निकलने में सफल रहेंगे। यह अवधि में आप आर्थिक जीवन में बड़े बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय साझेदारी में कार्यरत जातक अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त करेंगे। दैनिक व्यवसाय के भाव में मंगल शुक्र की युति से धन योग का निर्माण हो रहा है, जिससे जीवन में क्रमशः धीरे धीरे एक एक कर उन्नति की सीढ़ियां चढ़ती जाएंगी। कृषि क्षेत्र वाणिज्य ठेकेदारी बिल्डिंग मटेरियल जैसे कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। तो कंसल्टेंसी शेयर मार्केट कंप्यूटर जॉब वाणी प्रधान कार्य शिल्प कार्य टेलीफोन विभाग मीडिया बीमा कंपनी संचार क्षेत्र से जुड़े हर जातक इस वक्त बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है तो फरवरी में आपकी पदोन्नति की योग पूर्ण रूप से है। यहां तक आपका स्थानांतरण आपके इच्छित स्थान पर होने के चांस भी पूर्णतया सुरक्षित है। कार्य के चलते निरंतर यात्रा करनी रहेगी तो वह भी लाभदायी रहेगी। यदि नौकरी के अलावा नए व्यापार का प्रारंभ करना चाहते हैं तो वहां पर अन्य व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। व्यापार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। खासकर जो योग्यता एवं डिग्री के बावजूद भी कार्य से वंचित है, नौकरी की तलाश में है, वह रोजगार प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपको आपके धैर्य सहनशीलता व साहस का पुरस्कार मिलेगा। अब सरकारी बाधा झूठे दोषारोपण से परेशान है तो वहां से मुक्ति मिलेगी। पिता से अपनों से वैचारिक मतभेद से परेशान है तो संबंध सुलझ जाएंगे। अपने अधिकारियों की मनमानी से परेशान है, जॉब स्विच करने का कार्य बदलने का मन बना चुके हैं, मौका तो प्राप्त होगा। आप में प्रबंधक क्षमता का संचार होगा। अधिकार चाहते हैं तो वह प्राप्त होगा। अनेक संसाधनों से लाभ प्राप्त करने की इच्छा आपके मनसूबे पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान करेंगे, क्योंकि सदैव कुछ नया कुछ अनोखा अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य करने की इच्छा आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्ति को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं।
फरवरी में जंगलों, पहाड़ी प्रदेशों, रेगिस्तान, ध्रुवीय प्रदेशों में जो कार्यरत है या फिर जाना चाहते हैं, वह बड़े लाभ के लिए तैयार हो जाइए। जहाँ जीवन साथी के साथ में तालमेल बना रहेगा, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी विशेष बाधाएं नहीं उत्पन्न करेगी, भाई बहनों के विवाह के प्रयास भी सफल रहेंगे। इस महीने विदेशी यात्रा का भी मौका हासिल हो सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के प्रयास सफल रह सकते हैं तो विदेशी कंपनियों से भी आपको न्योता मिल सकता है। मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी में दिए गए आवेदन मंजूर हो सकते हैं। यदि आप प्राइवेट लिमिटेड में हैं तो फरवरी में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। साथ में सैलरी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपको परेशान कर सकते हैं। तो दूसरी ओर प्रेम संबंधों को लेकर आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलेगा। प्रेम प्रणय के मामले में आप सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहेंगे। घर, ऑफिस, कार्य क्षेत्र के आसपास नए प्रणय संबंध बन सकते हैं। तो रिलेशनशिप से जुड़े जातक इस पूरे महीने के दौरान कुछ अच्छा वक्त गुजारने के लिए समय निकाल ही लेंगे, क्योंकि यह समय प्यार, रोमांस और अच्छा वक्त जो आपको बहुत पसंद है, वह आपके लिए खुशियां लाएगा, वह जीवन में बदलाव लाएगा। फिर भी इस महीने किसी अपनों से धोखा मिल सकता है, सेहत संबंधी मामले परेशान कर सकते हैं, गलत फहमियाँ एवं गलतियों की वजह से तनावपूर्ण स्थिति भी खड़ी हो सकती है। और बेहतर होगा कि आप अपनी सफलताओं से इतना ज़्यादा घमंडी ना हो कि लोग आपकी बुराई करने लगे। दत्त महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय गुरुदत्त।